खोज वर्ड में आपका स्वागत है। और खोज वर्ड में आज हम आपको बताएंगे लाल किले के वो रहस्य जो आज तक आपसे छिपाए गए हैं। क्या है वो रहस्य, इनसे आज पर्दा उठा देंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। लाल किला और शाहजहांबाद का शहर मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया। लगातार 10 साल तक निर्माण चलने के बाद ये 1648 में पूरा हो गया। ये किला एवं महल शाहजहांबाद की मध्यकालीन नगरी का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लाल किले की दीवारें बेहद महीन तरीके से तराशी गई हैं। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली हैं, पहला दिल्ली गेट और दूसरा लाहौरी गेट। लाहौर गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य दरवाजे के अंदर जाकर एक लंबा बाजार है। बाजार से निकलने के बाद किले में काफी बड़ा खुला स्थान है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहांबाद का महल था। शाहजहांबाद तत्कालीन दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से बदलकर दिल्ली बना लिया। उसने अपने शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाने और नया निर्माण कराने की महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा किया। दीवाने आम यानी किले के अंदर जनसाधारण हेतु बड़ा प्रांगण बनाया गया। इसमें एक सिंहासन आज भी है। ये बादशाह के बैठने के लिए बनाया गया था और ये सुलेमान के राज सिंहासन की नकल पर आधारित था। इसके साथ एक काफी बड़ा खुला मैदान भी है। किले में दीवाने आम से अगला मंडप है दीवाने खास, जो राजा का निजी सभा स्थल था। ये सचिवीय एवं मंत्रिमंडल और सभासदों की बैठकों में काम आता था। इसमें सोने की परत से मढ़ी हुई दीवारों और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसकी छत को रोगन की गई लकड़ी निर्मित छत में बदल दिया गया है। लाल किले में बनी मोती मस्जिद को किले के निर्माण के बाद 1659 में बनाया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। ये मस्जिद छोटी तीन गुंबद वाली तराशे हुए सफेद संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। नदी का जल इस किले के चारों तरफ खाई को भरता था। इसके पूर्वी हिस्से की दीवार एक पुराने किले से लगी थी, जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहा जाता है। सलीमगढ़ का किला इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। लाल किले के बारे में कुछ मत भी हैं। ये लाल कोट की एक पुरातन किला नगरी है, जिसे शाहजहां ने लाल कोट के राजा पृथ्वीराज चौहान से कब्जा करके बनवाया था। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। ये कार्य करोर सिंहिया मिसल के सरदार बघेल सिंह धालीवाल के नेतृत्व में हुआ। ब्रिटिश काल में लाल किले को मुख्य छावनी के रूप में प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश काल में यानी कि 1857 के बाद लाल किले की बनावट में अंग्रेजों ने कई बदलाव किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किले के कई महत्वपूर्ण हिस्से सेना के नियंत्रण में साल 2003 तक रहे। लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। इसको अपना ये नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। लाल किले के बारे में कुछ मत ये हैं कि ये लाल कोट का एक पुरातन किला और नगरी है, जिसे शाहजहां ने लाल कोट के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान से कब्जा करके बनाया था। आप भी जब दिल्ली घूमने जाएं तो लाल किला देखना ना भूलें। सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं, बल्कि ये एक अद्भुत कला का नमूना भी है और ये इतिहास को भी अपने अंदर संजोए हुए है। इसलिए विदेशी पर्यटक भी इसकी ओर सहज ही खिंचे चले आते हैं। ये जो जानकारी हमने आपको बताई है, इससे अक्सर लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो लाल किले से जुड़े हैं और आज तक छिपे हुए हैं। तो चलिए हम उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। नंबर एक, लाल किले को नाम इसके रंग के कारण मिला, पर ये वास्तव में सफेद किला है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अनुसार इसका कुछ भाग चूने के पत्थर से बना है। जब सफेद पत्थर बंद हो गया
तो इमारत को अंग्रेजों द्वारा लाल पत्थरों से बनवाया गया। फैक्ट नंबर दो, इसकी बड़ी बड़ी दीवार इसे सुरक्षा प्रदान करती है और इन दीवारों को लाल पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसे लाल किले का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर तीन, लाल किले का नाम वास्तव में किलाए मुबारक है, जो शाहजहां द्वारा राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के बाद बनवाया गया था। फैक्ट नंबर चार, उस्ताद हामिर और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया और 1648 में इसको पूरा किया। फैक्ट नंबर पांच, कोहिनूरी हीरा कभी लाल किले की दीवाने खास में सिंहासन का ताज हुआ करता था, जहां राजा फरियादियों से मिला करते थे। फैक्ट नंबर छह, लाल किले के दो द्वार हैं, प्रथम दिल्ली गेट और द्वितीय लाहौरी गेट। दिल्ली की तरफ खुलने के कारण दिल्ली गेट तथा लाहौर की तरफ खुलने के कारण इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया। फैक्ट नंबर सात, लाल किले का एग्जिट गेट बहुत छोटा है, जो मूल रूप से नदी तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए था। समय के साथ नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, पर गेट का नाम बना रहा। फैक्ट नंबर आठ, लाल किला चिड़िया की आंख के आकार का अष्टकोणीय है, जो 265 एकड़ में फैला हुआ है। ये थे वो अनजाने रहस्य जिनको अभी तक कोई नहीं जानता था। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।